महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मानने को तैयार नहीं था। दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूत अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर मुगलों की अगुवाई कर रहा था। इसी बीच राजपूतों ने अद्भुत कूटनीति का परिचय देते हुए अकबर को अपनी ओर मिला लिया। अकबर ने खुद को मुगल बादशाह घोषित करते हुए औरंगजेब को बंदी बनाने का प्लान बनाया। अकबर की ये योजना सफल भी हो जाती अगर उसने बेवकूफी न की होती। अकबर जिस समय दक्कन का सूबेदार बना उस समय उसकी उम्र केवल 19 साल की थी। वो एक आराम तलब शख्स था जबकि औरंगजेब उन्मादी होने की हद तक युद्ध पसंद करता था। अकबर औरंगजेब की इस आदत से काफी परेशान था। राजपूतों से निरंतर लड़ते लड़ते वो बुरी तरह परेशान हो चुका था। ऐसे समय में दुर्गादास ने उसे समझाया कि हिंदुओं के प्रति औरंगजेब की नीति विनाशकारी है, इस तरह मुगल साम्राज्य एक दिन ध्वस्त हो जाएगा। अगर तुम इस सत्ता को बचाना चाहते हो तो औरंगजेब को कैद कर तुम बादशाह बन जाओ। इस काम में राजपूत हर संभव उनका साथ देंगे। अकबर को दुर्गादास की यह सलाह पसंद आई और उसने अपने 70,000 सैनिकों के साथ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1 जनवरी 1681 को अकबर ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और औरंगजेब को कैद करने के लिए अजमेर की तरफ बढ़ा। ये खबर जब औरंगजेब ने सुनी तो उसे सांप सूंघ गया। उसकी सारी सेना राजपूतों और मराठों के खिलाफ उलझी हुई थी। इधर अकबर रास्ते में औरंगजेब द्वारा नियुक्त अधिकारियों को हटाकर अपने अधिकारी नियुक्त करने में लगा रहा, जिससे औरंगजेब को पर्याप्त समय मिल गया। उसने अपने बेटे आजम और कामबख्श को सेना सहित अजमेर बुला लिया। उसने अकबर के खिलाफ पूरी तरह किलेबंदी कर ली। जब अकबर अजमेर से केवल 3 मील की दूरी पर था तो उसके कई सैनिक उसका साथ छोड़कर औरंगजेब से मिल गए। इस तरह अकबर की सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन राजपूतों की मजबूत सेना अभी भी उसके साथ पीछे मजबूती से डटी हुई थी। औरंगजेब ने एक षड्यंत्र के तहत अकबर के नाम एक झूठा पत्र लिखवा कर दुर्गादास के शिविर में भिजवा दिया। राजपूतों को अकबर पर शक हो गया और उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया। राजपूतों के साथ छोड़ते ही अकबर की बादशाहत हवा हो गई और वो अपने पूरे परिवार के साथ भागकर छत्रपति संभाजी की शरण में जा पहुंचा।